भोजपुरी का एक सुपरस्टार कलाकार किस तरह से मंच पे चढ़ के वहाँ बैठे तमाम दर्शकों को गरियाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को क्या लगा कि वो पवन सिंह जो मंच पे चढ़े थे ऐसे ठेंगा करके बोले, वो क्या लगा किसको गरिया रहे थे, खेसारी लाल यादव को? जी नहीं सर, पहले वो आप सबको गरियाए, बाद में वो खेसारी को गरियाए। और जवाब में खेसारी लाल यादव जी क्या जवाब दिए हैं और लाइव सेशन में वो क्या बोले हैं, ये भी बात की बात है। पहले हम सीधे ही पूछना चाहते हैं कि ये लोग आएगा कैसे कंट्रोल में, क्योंकि आप दर्शकों ने इन लोगों को इतना व्यूज दिया है कि नशा से ही लोगों का दिमाग हिल गया है और समझ में नहीं आता है कि मंच पर चढ़ के क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। इसीलिए हम एक वकील को पकड़ के लाए हैं, नाम इनका जगजीत भट्ट है, आप बढ़िया से परिचय बाद में देंगे। पहले ही पूछते हैं कि जो अश्लीलता है, जो ये गंदगी या गंध लोग फैलाया है, बंद कैसे होगा? सर ये बंद नहीं होगा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ आता है और भोजपुरी में बोलते हैं और सारे लोग भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाता है। इस चिट्ठी के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को, कि इस चिट्ठी में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान में इस भाषा को शामिल नहीं किया जाता है, और जब तक आप किसी भाषा को भारत के संविधान में शामिल नहीं करेंगे तब तक उस भाषा का प्रिजर्वेशन आप नहीं कर पाएंगे, उस भाषा को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है, और इसमें भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी आपके पास है। और इस चिट्ठी के माध्यम से और आसान भाषा में हम समझा देते हैं कि कोई माई का लाल भोजपुरिया में फैली अश्लीलता को खत्म और बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि इस चीज खुद मंत्री लोग नहीं चाहते हैं। जी यस सर, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो सवाल पूछते हैं भोजपुरी में कि भोजपुरी शामिल होगी या नहीं होगी। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी के सारे लोग भोजपुरी में बोलते हैं, इवन प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री लिख करके जवाब दे देते हैं कि भोजपुरी जो है शामिल नहीं होगी। अगर आप कहेंगे तो इन मोटे मोटे अक्षरों से पढ़ करके आपको सुना देंगे और इसकी हिंदी बता देंगे कि हमने आप ही के माध्यम से, जब आपने कहा कि भैया आप भोजपुरी का कुछ कीजिए, तो हमने कहा कि देखिए अभिनव ये मेरी लड़ाई नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं भैया कुछ वास्तविक निकालिए, तो मैंने वास्तविक निकालने का काम किया और ये वास्तविक निकालने की ये चिट्ठी है जो आप सभी के सामने है, और मैं थोड़ी देर में पढ़ के बताऊंगा। इसकी आसान भाषा में ये चीज समझ लीजिए कि चाहे कितना भी विरोध कर लीजिए, चाहे कितना भी सड़क पे खड़े होकर पवन सिंह या खेसारी को गरिया लीजिए, किसी की माई का लाल किसी का औकात नहीं है कि ये अश्लीलता बंद करा दे, क्योंकि वकील साहब के पास एक चिट्ठी है जिस चिट्ठी में गृह मंत्री के द्वारा मिला है ना। जी सबसे पहले लिखा गया था साहित्य गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से कागज में स्पष्ट लिखा है कि आपकी भोजपुरी भाषा को संविधान में शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस पर कोई रूल बन ही नहीं सकता है। अब एकदम सही बात, सही बात है, निश्चित रूप से एकदम सही आप बोल रहे हैं। इसका बोलने का रीजन है कि आप ही के होम मिनिस्ट्री के चिट्ठी, आप मैंने पूछा एक सवाल में कि आप बताइए कि इफ भोजपुरी लैंग्वेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लीज टेल द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मैंने पूछा कि बताइए कि क्या भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची के शामिल किया जा सकता है भारतीय के संविधान में और उसकी इस कंप्लीट प्रोसेस को बताया जाए, तो उन्होंने बताया कि इट इज अ इन्फॉर्म दैट यू द इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड एनी लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल यही है कि लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी में आप भोजपुरी गाना मत गाइए, वो बोलते हैं कि इसमें उसको बैरिकेटिंग कर देंगे कि नहीं वो शामिल होगी, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए भारत के संविधान में सीधा सीधा संशोधन करना पड़ेगा और वो केंद्र में बैठी सरकार करेगी और केंद्र में बैठे मोदी सरकार करेगी और अमित शाह करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कि आज तक ये नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक भोजपुरी भाषा संविधान में शामिल नहीं होगी 8वीं अनुसूची में, तब तक ही गायक लोग ऐसे ही मंच पे चढ़ के गंध फैलाते रहेंगे, निश्चित रूप से। हाँ, और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसको तो शामिल कराना पड़ेगा ना, ये आपके सामने भारत की संविधान है देखिए, और इसको अगर इसका 8th शेड्यूल निकाल के देखेंगे तो 21 इसमें लैंग्वेजेस को किया गया है, और आप ये देखिए